माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत बछेरी, छोटा सा छोटा ही बूथा जी ना, देसी प्योर देसी। क्यों जी भाजी? लो जी पैर इन्हें देखो, छोटे छोटे पैर जे, गोल पैर की गुलाई भी गोल है और माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। अल्लाह ताला मालका ने नसीब करे। लो जी पिछों देखो घोड़ी पछेरी, पिछों देखो चकता नहीं मर्जी लन इधर बैठी इत फट कर जिंद पूरी घोड़ी आवे। ठीक है, ठीक। लो जी नाजरी मैं आपको आके जरा चेक करके, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो बछेरी है। और ये देखें इसका जिम्मे मर्जी इन्हें फाड़ लो, के लो जी माशाल्लाह हाले फेरी फूरी का नहीं, लो जी फेरी फूरी हाले को नहीं देना है। फिर माशाल्लाह पैर भी छोटे छोटे पैर जे देखो, पैरों की गुलाई जड़ी है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैगी है, सीना भी बहुत प्यारा है और देसी है। हटे लो जी जाट साहब, ज़रा बताइएगा आप कमेंट करके कि आपको ये वाली मछेरी कैसी लगी, क्योंकि आप कहते हैं जी घोड़े बहुत कम हो गए हैं, लेकिन ये देखें माशाल्लाह फिर भी जो है ना वो जंगल में भी मंगल है और कितने प्यारे प्यारे लोगों ने अपना शौक़ जो है ना वो बरकरार रखा हुआ है। तो मलिक साहब ने भी इधर अपना शौक बरकरार रखा हुआ है और कितने खूबसूरत घोड़े हैं और घर की ब्रीड है, फिर इन्होंने खुद के यहाँ पर बच्चे लिए हुए हैं। तो नाज़रीन ये भी माशाल्लाह बछेरी आपको पसंद आई आएगी इंशाल्लाह। और हम भाई से पूछते हैं कि इसके जो जो प्राइस हैं वो कितने प्राइस हो जाएंगे, तो नेक्स्ट आपको उनका इंटरव्यू भी हम दिखाते हैं। मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह आपको इनका टोरा भी हम दिखाएंगे बाहर किसी वक्त ले जाके। आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप अगर इस घोड़ी का टोरा देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि फिर मैं इनके साथ जो है ना वो रब्ता करके इसका टोरा भी मैं आपको चेक करवाऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मालिक से हम जो है ना इसका जो है ना वो रेट भी हम पूछते हैं कि इसका जो है ना वो रेट कितना है और कितने पैसे जो इनकी डिमांड क्या है। ये देखिए ये जी जो बछेरी है इनके ऑनर आ गए हैं हमारे पास, तो ये है मलिक साहब, शफी साहब इनका नाम है। तो ये माशाल्लाह हम पूछेंगे, 10 महीने ये सर बताइएगा कि ये इसकी उम्र कितनी होगी? 10 महीने 10 महीने पूरी। अच्छा ये अपनी खुद की ब्रीड है या आपने कहीं से ली थी? ये अपनी है। अपनी ब्रीड है और इसकी माँ वगैरह आपने सेल आउट कर दी? सेल कर दी। अच्छा इसका नाम वगैरह भी आपने कोई रखा हुआ है? इसका नाम क्या, जैसे जानवरों का घोड़ी का घोड़े का नाम रख देते हैं, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने दिखाया है मुकद्दर नाम रखा हुआ, तो आपने भी इसका कोई नाम सोचा या रखा हुआ है? ये बड़ी प्यारा वाली घोड़ी है, इसका नाम बहुत प्यारा है जी, ये शबानो घोड़ी है। शबानो ले जी, इसका नाम जो है ना वो शबाना रखा हुआ है इन्होंने, शफी साहब ने। तो अच्छा ये बताइएगा अगर कोई ख्वाहिशमंद हो, वैसे तो प्यार वाली चीज़ बेचने के काबिल ही नहीं होती ना उसकी होती है, वही मैं आप ये बता रहा था। हाँ जी 2 लाख बच्चा है घोड़ी का, बच्चा खानदानी घोड़ी है, 5 कल्याण घोड़ी, सारे पैर धोते घोड़ी, बिल्कुल बल्ली, बिल्कुल वही मैं सारी चीज़ें पहले बता दी हैं। मैंने कहा जी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है और उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है, दूसरे भी जानवर दिखाए हैं वो भी चीज़ थे लेकिन ये अपनी जगह पे और चीज़ है, तो ये माशाल्लाह बहुत चीज़ जी बहुत खूबसूरत है। अच्छा आप कोई जो अगर आप इसका जो अगर कोई लेना चाहता हो कोई शौक़ वाला तो प्यार करने वाला, तो कितनी आप इसकी डिमांड करते हैं? 2 लाख रुपये आप लेंगे इसके प्यार मोहब्बत करके? ठीक हो गया जी, ये जी 2 लाख रुपया इस बछेरी की ये डिमांड करते हैं। आपके साथ हम नंबर शेयर करते हैं इनका, ये नंबर है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी जो है ना इनके साथ रब्ता करके, तो यहाँ पर एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, लोकेशन क्या है, लोकेशन ये है बहरिया का जो गेट है उसके सामने जाकर तिक्का साथ ही रास्ता आ रहा है, उसके अंदर आप यही फ़ोन नंबर इस्तेमाल कीजिएगा तो वो वहीं से आपको रिसीव कर लेंगे, साथ ही उनकी जगह ये। शफी भाई आप ज़रा नंबर ज़रा शेयर कर दीजिएगा, नंबर आप
जी 0300 पूरा जी 36 88 998 मोहम्मद शफी मेरा नाम है। मोहम्मद शफी दोबारा फिर नंबर एक दफ़ा फिर 0300 पूरा 988 तो लो जी अगर आपको ये माशाल्लाह बछेरी पसंद आई है तो पसंद आएगी, बड़ी प्यार वाली चीज है। मैं ना बेचनी नहीं थी, मैंने थोड़ी जी ना लोड पै गई जिंदी वजह तो मैं बेचने लगी जी। मैं बड़े प्यार ना बच्चों तेरा पूरा तरह समझ लिया। ठीक है, तो जी जो अर्जेंटली वो बेचना चाहते हैं उनको कोई ज़रूरत है तो अगर आप लेना चाहते हो तो इनसे आप रابطہ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपने घंटी का निशान दबा देना ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आपको आज की जो हमारी वीडियो है हम अभी तक तो मलिक रियाज़ साहब का जो फार्म है वो ही आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये देखें, अगर आप भी रखना चाहते हो घोड़ा रखना चाहते हो तो ये किस तरह आपने शेड बनाना है और अंदर का जो है ये बनाना है। ये देखें पहले तो ये है कि ये खुरली बनाई हुई है ये वाली, और नीचे उन्होंने डाला हुआ है ये कुसू डाला हुआ है ताकि जानवर को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई बिल्कुल आराम से नरम नरम जगह बनाई हुई है और ये देखे आसानी हो सके। और साथ में गर्मी के लिए पंखे भी ऊपर लगे हुए हैं, ये पंखा वगैरह भी लगा हुआ है। ये देखें तीन पंखे लगे हुए हैं और ये तीनों जो बनाए हुए हैं उन्होंने खुरलियाँ वगैरह बनाई हुई हैं और ये शेड वगैरह बनाया हुआ है, शेड नहीं बल्कि बहुत हवादार रोशनदान भी बनाए हुए हैं। और ये जो है ना ये देखें लारंग लगाए हुए हैं ताकि आपस में जो है ना वो घोड़े कोई हरकत ना कर सकें ये वाले। और साथ ही उनके ये साज वगैरह, ये तलियारे, ये लगाम उत्ते बैठने वाले, ठीक लगाम ते तलियारा तो मेरे ख्याल और हुंदा के तलिया, ये भी तलियारा भी कहंदे ने? नहीं नहीं नहीं, ये लगाम तलियारा है, ये जी लगाम वगैरह है। तलियारा भी आपको दिखाते हैं कि तलियारा केड़ा हुंदा है, ये तलियारा हुंदा है। मानत भाई आपको दिखा रहे हैं, ये तलियारा होता है, ये तलियारा होता है, ये ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ये गले में डाल जाता है, ये ऐसे ऐसे में आ जाता है, ठीक है। ये जी इनका जो साज वगैरह इधर इन्होंने रखे हुए हैं जानवरों के, ये देखें ये सारे माशाल्लाह। आपको थोड़ा सा कमरे में लाइट ज़रा कम है लेकिन फिर भी मैं आपको इनका जो सामान है, ये चाल वगैरह है, ये वागे हैं, सीने बंद है और ये मुकम्मल चाल है ये वाली, ये चाल है जी इसकी दुमची के साथ मुकम्मल। और ये पूरा साथ ही दूसरा सामान इनका है, चाल वगैरह भी है, वागे भी हैं, ऐनक भी है, सीने बंद भी है। तो ये सारे जो है ना ये जानवरों के घोड़ों के जो है सामान इन्होंने बनाया हुआ है और ये शेड भी इन्होंने बनाया हुआ है माशाल्लाह। अमानत भाई के पास ही सारी देखभाल है और एक और भाई हैं, थोड़ा नाम की भाजी हैं बाबर अली, और ये भाई बाबर अली हैं। तो और आपको और भी इन अंदर की है घोड़े ने लो जी माशाल्लाह बाहर ने बचे। लो जी नाज़रीन माशाल्लाह आज तो जो है ना आपको पहले हमने शेड दिखाया और इधर जो है ना वो बाबर भाई हैं, इसके नीचे नरम जगह रहेगी, ये ताज़ा घसू फेंका है, ठीक है, इसको हम देशी में कर देंगे। हाँ, और ये जो घोड़े हैं इनको बहने के लिए चलने फिरने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नरम जगह पर बैठेंगे, ठीक है। अच्छा पंखे लगे हुए हैं, मच्छर मच्छर आ रहा हो, गर्मी हो। अच्छा बाबर भाई इधर सोते भी आप इधर ही हैं? हाँ जी, ये आपका चार भाई है, वो इधर सो जाता है काफी। ये देखिए जी ये खरखरा है जो इसको मारते हैं और फिर जो मिट्टी होती है या घसू होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, साफ हो जाता है। ये जी साथ एक ब्रश होता है वो लगाते हैं साथ, ये तौलिया होता है। ये नाजरीन ये खरखरा है और हमें नाजरीन कल कमेंट में वो जफर जट साहब थे तो वो मुझे कह रहे थे कि जी मुझे आपकी वीडियो देख के ना तो दोबारा शौक आ गया। तो जफर जट साहब आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि आपको जानवर कैसे लगे। और ये वाला शेड मलिक रियाज साहब हैं इधर बैरिया टाउन के बिल्कुल सामने, जाकर टिक्का उनके साथ ही अंदर थोड़ा सा रास्ता है तो मराके क्वार्टर को जाता है तो उस जगह पर इनका ये फॉर्म है जिनकी हम आपको वीडियो हम दिखा रहे हैं। इस शेड में जो दो घोड़े हैं वो मेरा ख्याल है कोठी के बाहर जो थे वही हैं, वो भी है तो ये बच्चे भी, ये बच्चे भी हैं, बच्चे इतने पान के बड़े जड़े घोड़े ने उधर पान। तो नाजरीन अगर ये शेड वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो आपको हम दिखाएंगे दूसरे तांगे भी दिखाएंगे और जो इसमें फेरते हैं
और ये देखे बाबर भाई जो है ना इसकी जगह वगैरह वो मेंटेन कर रहे हैं, एक जैसी कर रहे हैं ताकि जानवरों को जो कोई मुश्किल पेश ना आए। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए जानवरों की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करूँ। तो ज़्यादा चाहता हूँ जी, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।